जय हिंद दोस्तों, महाराष्ट्र के सुपे घाट में आपका स्वागत है। देखो टर्न, खतरनाक टर्न लेते हुए लोकल गाड़ी आकी और सुपा घाट का ट्रैफिक सुबह का देख सकते हैं आप, लगातार एक एक पीछे आती हुई गाड़ियाँ रोड देखने की कोशिश। देखो ओवरटेक कैसे कर रहे हैं, अपघात का दुर्घटना का कारण यही ओवरटेकिंग होता है। ड्राइवर भाई साहब को ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए लेकिन सुनता कौन है। 16-18 मॉडल है 6-चक्का गाड़ी, और जो दिखाना चाहता हूँ देखो गाड़ी की कंडीशन क्या हो गई। यहाँ बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती हुई गाड़ी रुकी है, जगह से निकली वहाँ से फिर से। ये गाड़ी को थोड़ी मुश्किल आने वाली है शायद घाट पास करने में, कि ज़्यादा धुआं मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। ट्रक लाइन में गाड़ी का रख रखाव समय समय पे सर्विसिंग ये बहुत ज़रूरी चीज़ें है। अभी ये गाड़ी फर्स्ट चढ़ान पे लग चुकी है, और ये फर्स्ट चढ़ान 6-चक्का है, ओल्ड मॉडल है, टाटा की गाड़ी है। लेन भी छोड़ दी है गाड़ी ने अपनी, देखो पीछे भी गाड़ी आई है, ये शायद दूसरी तरफ से निकल जाएंगी। ये लोकल गाड़ी है यहाँ की, लेकिन इसका मोशन ओल्ड गाड़ी होते हुए भी बिल्कुल सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ये आयशर देखो, धोवा आयशर रुकी है, बाप रे। अब इनके लिए फर्स्ट डाल के आसानी के साथ निकलना चाहिए उन्होंने, लेकिन देखो धोवा, बाप रे। ओल्ड मॉडल आयशर है लेकिन निकली अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी रुकी थी। और एक गाड़ी घाट चढ़ के ऊपर आई है, अशोक लेलैंड की टेम्पो लाइन में गाड़ी है, MH 11। सुंदर तरीके से देखो, थोड़ा आरपीएम आ कर रुकेंगी गाड़ी है, रुकेंगी। ये गियर रॉन्ग है आपको बताऊँ, फर्स्ट नहीं है, हाफ क्लच में गाड़ी उठा रहे है, काफ़ी रिस्की होता है हाफ क्लच में गाड़ी उठाना। गियर बदलने की, अभी भी हाफ क्लच में गाड़ी उठा रहे है, वो निकल गई, अब निकलेंगे, अब आरपीएम भी पकड़ेंगी, मोशन भी पकड़ेंगी। ये होता है यहाँ नीचे आती हुई गाड़ियाँ। जय श्री श्याम लिखा है गाड़ी के ऊपर, 6-चक्का है, हरियाणा पासिंग गाड़ी, हरियाणा 38। और ये आरजे इलेवन खेडली गुमानी लिखा है, बहुत सारी गाड़ियाँ राजस्थान की 11 पासिंग जाती है यहाँ से, और इसी बीच महाराष्ट्र के पिंपरीचंद चिंचवड़ पासिंग है, MH 14 स्पेशल डाराई लोडेड गाड़ी है। पीछे शिवनेरी लिखा है, शिवनेरी वो किला है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ये सब हिंदुस्तान के लिए बल्कि वर्ल्ड के लिए एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने हर एक को स्वाभिमान सिखाया। और एक टाटा का टेम्पो है, देखो गाड़ी लेन छोड़ के ऑटोमेटिकली दूसरी साइड चली जाती है, इसका मतलब यहाँ की इंजीनियरिंग गलत है। आपको बताऊँ, कुछ भाई साहब ने कमेंट किया था कि रोड सही है, रोड की इंजीनियरिंग सही है, और ड्राइवर ख़राब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट कंडीशन क्या होते हैं या किस वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। देखो अभी ट्रक जो आ रही है, यहाँ लेफ्ट टर्न है,
और यहाँ से गाड़ी अगर सीधा ऊपर ऐसे आती है, यहाँ से फिर राइट टर्न है, ये राइट टर्न, और प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ इस जगह पे। अगर स्पीड कम ना हो तो डायरेक्ट लेफ्ट ऐसे है, ये इंजीनियरिंग ऐसी है कि डायरेक्ट बहुत ज़्यादा राइट मारनी पड़ती है गाड़ी। और इसी जगह ये गाड़ी ऑटोमेटिक नहीं, अपनी लेन छोड़ के यहाँ से आती दूसरी गाड़ियों को टकरा जाती है, ऐसी बात है। मगर मतलब यहाँ का फॉर्मूला ये है कि स्पीड कम होनी चाहिए, और कार की स्पीड तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होती गाड़ी, और कार सीधा दूसरे, या कार हो बड़ा वाहन हो, स्पीड अगर ज़्यादा होती है या डिस्टर्न में तो अपने भौगोलिक नियम के अनुसार गाड़ी कितना भी झुका लो, टर्न मार लो, आगे जाके टकराएंगी ज़रूर, ऐसी बात है। लेन छोड़ के जाएंगी और टकराएंगी, क्योंकि इन्होंने लेन छोड़ दी है अभी से, क्योंकि ये लोकल की गाड़ी है और ये हर रोज यहाँ आया जाया करते हैं, और सुंदर ड्राइविंग, 10 चक्का गाड़ी है। ये जानते हैं इस गार्ड को कैसे पास करना है, लोकल के ड्राइवर है। निकल गई गाड़ी, और ये दूसरी गाड़ी जो आई है ये भी लोकल की गाड़ी है, देख सकते हैं आप। मतलब अभी कोई कार आती है तो मैं आपको बता सकता हूँ किस तरीके से एक्सीडेंट हो जाते हैं यहाँ। 6 चक्का है, थोड़ी सी ओल्ड गाड़ी, लेकिन गाड़ी का रखरखाव मेंटेनेंस बहुत अच्छा है, अच्छा मोशन बना के आई है। टाटा की गाड़ी 6 चक्का, और गाड़ी यही की लोकल की है। ड्राइवर भाई साहब समझदार है, होशियार है, हर रोज आया जाया करते हैं, अपने लोड के हिसाब से चलते हैं। मेहनत ही पूजा, मराठी में लिखा है कष्ट हेच भांडवल, इसका मतलब है मेहनत करो आपको कुछ कम नहीं पड़ेगा। खूबसूरत लेलैंड 12 चक्का, देखो गाड़ी रुकी है गियर बदलने के लिए, सही गियर लगाया उन्होंने अभी, अभी भी गाड़ी रुकी है। फिर आरपीएम बनाया, फिर उठाई जगह से गाड़ी, लोडेड गाड़ी है बिल्कुल, मेरे ख्याल से लेलैंड है और 12 चक्का गाड़ी है। देखेंगे किस तरीके से एक घाट को पास करती है। अभी नमक्कल कैबिन में लगता है, या गुजरात कैबिन होगा ये, गुजरात कैबिन और जो तो तमिलनाडु का कैबिन है सेम दिखते हैं, लेकिन तमिलनाडु कैबिन के नमक्कल कैबिन के शीशे बहुत बड़े होते हैं। इस तरीके से ओवरटेकिंग चलती है, टू व्हीलर वाला है आगे एक, ये एपी आंध्र प्रदेश की गाड़ी है, शायद आना है, हुसैन लिखा है गाड़ी के ऊपर। खूबसूरत गाड़ी 12 चक्का घाट पास करते हुए, सही ड्राइविंग का नज़ारा देखिए। अन्ना की ड्राइविंग वैसे बहुत परफेक्ट होती है, लेकिन कुछ गाड़ी अटक जाती है तो कुछ अन्ना बहुत गुस्सेल होती है, ऐसी बात है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।